Another new video, and today's video is all about the all new Citroen C3 Aircross. और यहाँ पे भोपाल में इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, गाड़ी आ गई है फाइनली भोपाल के अंदर. सो अगर आप भोपाल में रहते हो और विज़िट करना चाहते हो शोरूम पे, सो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट करके गाड़ी को देख सकते हो भोपाल के अंदर. सो आज हम सिट्रन C3 Aircross के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगेन एक और नई SUV है सिट्रन की तरफ से. एंड आज हम इसका 7-सीटर वेरियंट देखने वाले हैं. ये 7-सीटर वेरियंट है जिसके अंदर हमको 7 सीट्स मिलती हैं, और इसके अंदर एक और वेरियंट आता है जो कि आपका 5-सीटर में रहता है. सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर गाड़ी को आगे से देखें, सो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है. जो इसकी राइवल्स हैं लाइक क्रेटा एंड सेल्टोस, उनके अंदर आपको वो ओल्ड स्कूल डिज़ाइन एलिमेंट मिलता हुआ आ रहा है पहले से. वैसे वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, बट सिट्रन जो कि फ्रेंच कार मैन्युफैक्चर है, वो कुछ यूनिक लेके आया है उनकी गाड़ी के फ्रंट लुक में. एंड फ्रॉम द फ्रंट बहुत अच्छा लुक गाड़ी को मिलता है, एज वेल एज जो गाड़ी का बैक प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल है, वो भी कम अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज एज यू नो फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. सो वो चीज़ आपको सिट्रोएन की C3 Aircross में देखने को मिलेगी, और इनके हर मॉडल के अंदर आपको एक एलिमेंट तो देखने को मिलेगा, डिज़ाइन एलिमेंट, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है और गाड़ी को एक काफ़ी अच्छा लुक देता है. सो यहाँ पे हमने गाड़ी के लुक्स की तो बात कर ली है, अब इसके इंजन की बात करते हैं. तो इसके अंदर हमको एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है और काफ़ी अच्छा टॉर्क जनरेट करता है. इसका इंजन लमसम 110 PS की पावर जनरेट करता है, जो एक काफ़ी अच्छा नंबर है. और पावर फिगर्स के मामले में और इंजन रिलायबिलिटी के मामले में सिट्रन का ये इंजन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है. इसके अंदर आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है. AMT इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर ये गाड़ी आती है. जो सीटिंग कैपेसिटी है उसमें 7-सीटर में अवेलेबल है और 5-सीटर में अवेलेबल है. तो चलिए बात करते हैं सिट्रन की फील अपील के बारे में. सो यहाँ पे आप देखिए सिट्रन C3 Aircross में आपको ये लोगो देखने को मिलता है सिट्रन का. यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर इंटीग्रेटेड क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे हमको DRL सेटअप मिलता है इस टाइप के डिजाइन के साथ में. हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, फॉग लैम्प्स यहाँ पे हमको प्लेस्ड देखने को मिलेंगे सर्कल शेप में. इसके अलावा ड्यूल टोन बम्बर डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड सिल्वर का एसेंट काफी अच्छा लगता है. इसके अलावा यहाँ पे आप जो डिजाइन एलिमेंट देखेंगे ना, ये भी काफी अच्छा लगता है सिट्रन C3 Aircross के अंदर. बड़ी सी यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिलेगी. तो हमने इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात कर ली है, अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की. तो सारी डायमेंशन डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर मिल जाएंगी. इसके अंदर काफ़ी अच्छा व्हील बेस आता है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आता है. 17 इंचेस के ये अलॉय व्हील्स हमको देखने को मिलते हैं. टायर साइज़ की बात करें तो 215 सेक्शन 60R 17 इंचेस के टायर्स हमको मिलते हैं, जो C8 प्रोवाइड करती है सिट्रन को. इसके अलावा हमको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, एज वेल एज ब्लैक कलर में क्लाइडिंग भी यहाँ पर कंपनी ने ऑफर करी है. एंड फ्रॉम द बैक सिट्रन C3 Aircross कुछ इस टाइप के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ में आती है. यहाँ पर हमको ऊपर स्पॉयलर देखने को मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प विथ डिफॉगर, रियर वाइपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. टेल लाइट डिज़ाइन हमको कुछ इस टाइप से मिलेगी. सिट्रन C3 से थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश यहाँ पर की गई है. इसके अलावा ये जो ब्लैक कलर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये पूरा टेल बार टाइप का डिज़ाइन मिल रहा है, क्योंकि अगेन एक काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है गाड़ी को. इसके अलावा सिट्रन का लोगो मिलेगा C3 Aircross, और प्योरटेक की बैजिंग है. क्रोम इंसर्ट्स यहाँ पे दिए हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा है विथ 2 पार्किंग सेंसर्स. इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जो नंबर प्लेट लाइट है ना, वो नॉर्मली ना कार मैन्युफैक्चरर्स येलो कलर की देते हैं, बट यहाँ पे वाइट का यूज़ किया है, सो इट्स अ गुड थिंग. इसके अलावा बूट स्पेस की बात करते हैं, सो अभी तो ये 7-सीटर है ना, तो सातों की सात जो सीट्स हैं तीनों रो में वो अप साइड में है. सो इतना कुछ हमको बूट मिलता है, ये आप चेक कर लीजिए. अब यहाँ पे जब मैं सीट्स को फोल्ड कर देता हूँ ना, तो बूट स्पेस ना बढ़ जाता है, ये आप चेक करिए. अब आप अपना लगेज इजीली कैरी कर सकते हैं. इसके अलावा जो सेकंड रो की सीट रहेगी उसको आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं. थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हमको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, 2 टाइप ए के पोर्ट मिलते हैं. इसके अलावा यहाँ पर भी वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है. सीट बेल्ट यहाँ पे हमको मिलेंगे, यहाँ पे भी सीट बेल्ट दिया हुआ है. इसके अलावा ना
सिट्रन C3 एयर क्रॉस के 7 सीटर के अंदर हमारे पास में ये प्रोविजन भी अवेलेबल होता है कि जो पीछे की सीट्स है ना, थर्ड रो की सीट, उनको हम इजीली रिमूव करके 60 सेकंड्स के अंदर हमारी गाड़ी से निकाल सकते हैं, और जब भी हमें उनकी नीड हो तो हम उनको एज इट इज़ ही 60 सेकंड्स के अंदर प्लेस्ड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, सिट्रन ने ये चीज़ बढ़िया की है। अगर हमको ज़्यादा बूट की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें 5 लोगों को जाना है कोई लॉन्ग जर्नी पे या लॉन्ग ट्रिप पे, और पीछे की सीट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम घर पे इजीली निकाल के रख सकते हैं। सो ये चीज़ में मैं प्लस पॉइंट एक देना चाहूँगा सिट्रन C3 को। अब सेकंड रो को हम चेक करने वाले हैं कि सेकंड रो स्पेस में हमको कैसा कुछ स्पेस मिलता है और क्या क्या यूटिलिटी फंक्शंस मिलते हैं। सो डोर की बात करें तो यहाँ पे हमको इस टाइप से ग्रैब हैंडल मिलता है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं, यहाँ पे प्रीमियम लेदर की फिनिश दी है, सैटिन सिल्वर फिनिश है, स्पीकर यहाँ पे मिल जाते हैं, और वाटर बॉटल आप इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा 60-40 स्प्लिटेबल सीट मिलती हैं विथ 2 हेडरेस्ट। इसके अलावा थर्ड पर्सन के लिए अगर कोई बच्चा वगैरह बैठा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ना ये आपको हेडरेस्ट टाइप का बम्प दिया है, सो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। इसके अलावा यहाँ पे हम अपने लेग रूम स्पेस की बात करें, सो लेग रूम इज़ ऑल्सो डिसेंट। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है, आप इजीली आरामदायक पोजीशन में गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, सो इस टाइप से आपको अंडर थाई मिलता है, वैसे कंफर्टेबल पोजीशन है। 7 सीटर के अंदर हमको सेकंड रो में एसी वेंट यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमको रूफ लाइट्स मिल जाती हैं हैलोजन में। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ग्रैब हैंडल है। इसके अलावा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस टाइप के प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। अब सेकंड रो से ही हमको थर्ड रो में इंटर करना होगा, सो इस टाइप से हमको ये लीवर को पुल करना है, एंड इस टाइप से पूरी जो सीट है पीछे चली जाती हैं, इतना कुछ स्पेस मिलता है हमको पीछे जाने के लिए। और पीछे मैं आपको बताता हूँ बैठ के, सो यहाँ पे कुछ इस टाइप की पोजीशन बनती है। अंडर थाई आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और लेग रूम भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली ना बच्चों के लिए ये सीट को बनाया गया है, अगर अडल्ट पैसेंजर बैठेंगे तो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठ पाएंगे, नो डाउट। थर्ड रो में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हमको मिल जाते हैं। और अब चलते हैं हम फ्रंट रो सीट्स की तरफ। अब हम करने वाले हैं इंटर ड्राइवर रो सीट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोर पैनल की बात करें, सो यहाँ पे फ्रंट पावर विंडोज हमको ऑफर कर दी जाती हैं, सैटिन सिल्वर फिनिश है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, वाटर बॉटल होल्डर है। इसके अलावा गाड़ी की सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है, जो एक काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा आर्मरेस्ट मिलता है फॉर ड्राइवर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ऑफर होते हैं, लेदर अपॉल्स्ट्री में सीट यहाँ पे दी हुई है, डोर पे भी हमको यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री मिलती है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और प्रीमियमनेस इसी से झलकती है गाड़ी के अंदर। सो फाइनली अब हम आ गए हैं गाड़ी के कैबिन में। की से शुरुआत करते हैं, इस टाइप की आपको क्लासिक की मिलती है टॉल बॉय टाइप की डिज़ाइन में। लॉक अनलॉक का यहाँ पे ऑप्शन है, एंड आपको गाड़ी की को यहाँ पे इंसर्ट करना है इस टाइप से, और यहाँ पे जो गाड़ी का डिजिटल क्लस्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ी का 10.2 इंचेस का स्टीरियो सिस्टम रहता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम के अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आती है, इसके अलावा FM ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। इसका रिवर्स कैमरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप चेक करिए इसका रिवर्स कैमरा और रिवर्स कैमरा की क्वालिटी। एसी वेंट की डिज़ाइन है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है। इसके अलावा यहाँ पर भी हमको एसी वेंट देखने को मिल जाता है, यहाँ से हम ORVs को कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हमको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, बट ऑटो फोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। चाइल्ड लॉक बटन यहाँ पे है पावर विंडो के लिए। इसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का यहाँ पे बटन मिल जाता है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है, वो भी नॉर्मल या इस टाइप का, इसकी जगह हेडलाइट लेवलर ही दे देती ना कंपनी तो वो ज़्यादा बेटर रहता। बट ऑल दो गाड़ी का जो कैबिन है वो काफ़ी बढ़िया है। ऑल दो अब यहाँ पे मैं अगर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, तो ये है गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की डिज़ाइन। सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे हमको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है। गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, जो एक माइनस पॉइंट मुझे लगा, सिट्रन को ये चीज़ देना चाहिए थी। अगेन सिट्रन का यहाँ पे लोगो है, एयरबैग है गाड़ी के अंदर, हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया है। ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है ना, मुझे ये 3-Tone की डिज़ाइन कंपनी ने दी है, ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे भी एयरबैग मिल जाता है, और हर जगह हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है, सिल्वर एसेंट भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा ये ग्लोव बॉक्स है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आप मिस करने वाले हो, इसके अंदर आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हजार्ड स्विच मिल जाता है, टाइप ए पोर्ट है, 12 वॉट का आपको सिगरेट लाइटर पोर्ट मिलता है, मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन हमको मिलता है। ये गाड़ी का हैंड ब्रेक है, और ड्राइवर के लिए यहाँ पे ये हमको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। को पैसेंजर के लिए यहाँ पे कोई भी इस टाइप का फंक्शन नहीं दिया है, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत बेस्ट है,
कि ये जो डोर है ना, डोर का जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो इतना अच्छा दिया है ना कि आप अपने जो हैंड है उसको यहीं पर रेस्ट दे सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस कार के अंदर। इसके अलावा रियर के पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको डोर पे देखने को नहीं मिले थे, तो वो कंट्रोल्स यहाँ पे ही हमको देखने को मिलते हैं। ये दो बटन्स हैं, डोर पे नॉर्मल ही ऐसी फिनिशिंग आती है। इसके अलावा यहाँ पे एक कप होल्डर वगैरह दिया हुआ है। सो ऑल दो ये है कुछ गाड़ी का इंटीरियर और ये है कैबिन। ऊपर की अगर हम बात करें सो विंडशील्ड में यहाँ पे IRVM मैनुअल IRVM यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिलती हैं। सनशेड हमको विदाउट वैनिटी मिलते हैं। फोर ड्राइवर साइड हमको वैनिटी मिल जाती है सनशेड में। MID यहाँ पे हमको डिजिटल मिलती है, जिसके अंदर हमको स्पीड मिलती है, टैकोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे हमको फ्यूल गेज मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है, टोटल किलोमीटर गाड़ी ने कितना कवर किया वो बताएगा। इसके अलावा एवरेज वगैरह भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, और गाड़ी कितनी चलेगी, जितना फ्यूल है इसके अंदर में, तो वो सारी चीज़ें भी हमको बताता है। इसके अलावा वार्निंग वगैरह यहाँ पे शो करेगा। सो कंप्लीट जो गाड़ी है वो कुछ इस टाइप से है। कैबिन आपने देख ही लिया है। इसके अलावा अगर स्पीकर्स की बात करूँ सो दो ट्विटर्स इसके अंदर आते हैं और चार स्पीकर्स आते हैं जो काफ़ी बढ़िया साउंड देते हैं, मतलब एक डिसेंट साउंड दे देते हैं ये। सो इसी के साथ में गाइस ये थी आज की वीडियो 7-सीटर सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस के बारे में। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं सिट्रोएन भोपाल के शोरूम में सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।